Yes, Payal Chauhan, you have raised your hand. Do you have any doubts or anything? I think you raised hand by mistake, I guess. Hannah? It's nice. क्या क्या icons है आप test कर रहे हो चलो अच्छी बात है Okay. So how are Diwali preparations going on? कैसे चल रही है सारी दिवाली की preparations? अच्छी चल रही है अभी तो छुट्टियों में है ना आप सब लोग अपने घर पे गर्म से छुट्टियों में है आप लोग जी जी नाइस ओके सो इट्स एग्जैक्टली 4 o'clock वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास नाउ ओके सो व्हाट वी हैव बीन डूइंग In the last two classes was we had started the chapter biomolecules. We are going to continue it here. Okay. So we have completed amino acids, proteins, lipids, carbohydrates. Okay. So today we are going to start with nucleic acids and DNA, RNA. After that, we are going to understand the enzymes. Okay. What are enzymes, why they are helpful to us, how they exist in nature, okay? Kya models hain enzymes ko leke, in models dekhenge, phir bahut sari cheeze jo bhi enzymes se related hai, wo dekhenge. Okay, tomorrow we'll see the classification. Okay, kal classification dekhenge and it last mein, matlab pure chapter ke last mein, kuch ek important part hai aapke NCERT ne diya hai. उसमें जो वो जो डेफिनेशन है ना को फैक्टर को एंजाइम सॉरी तो वो सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे विल बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन नीट ठीक है वो लास्ट पेज में जो है वो पूछा जाता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो वो हम लोग कल करेंगे क्लासिफिकेशन को फैक्टर्स वो कल करेंगे उसके अलावा हम जो केमिकल रिएक्शंस हैं अंडर द हेडिंग ऑफ एंजाइम्स वो भी हम कल करेंगे ठीक है तो आज क्या कर रहे हैं आज उतना छोड़ के एंजाइम्स का जितना भी है वो सारा कवर करने की कोशिश करते हैं अगर होता है तो देखते हैं नहीं तो कल के लिए फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ठीक है सो बेटा मैंने जो मेटाबॉलिज्म का जो पार्ट है आपके सिलेबस से निकाला गया है तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है ओके सो दैट मेटाबॉलिज्म पार्ट दैट लिविंग स्टेट दो बॉन्ड्स जो है वहां पे उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है उसको छोड़ के जितना आपके सिलेबस में है राइट नाउ मैंने उसको इंक्लूड किया है क्योंकि ये क्लासेस जो डिटेल हो रही हैं इसके बाद फिर रिवीजन क्लासेस होंगे जब मैं नीट को कॉन्सेंट्रेट करके आपको और ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगी ठीक है अभी सिलेबस तक मैं हद में रख के उसको पढ़ा रही हूँ ठीक है चलो सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास देन सो हियर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन विच इज यू नो अबाउट इन्यूलिन ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैं देखती हूँ आप कितने लोगों ने मैंने जो पढ़ाया है उसको नोट डाउन किया है और कितने लोगों ने पढ़ के आया है ठीक है सो इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज अरबिनोज आई विल गिव यू 30 seconds टेक सम टाइम सोचो फिर चैट वेरी गुड उन्नति फिर चैट बॉक्स में लिखो Okay, Alvira, nice. Alvira might be a big fan of Korean dramas. Good to see. Okay, so बेटा हम लोगों ने कल देखा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है ना सो वी हैड सीन द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकराइड्स उसके बाद आता है ओलिगोसैकराइड्स या फिर डाइसैकराइड्स
ऑलिगो के बाद आता है पॉलीसैकेराइड्स. इन मोनोसैकेराइड्स विल कम अक्रॉस ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे आते हैं. ठीक है, फिर डाइसैकेराइड्स या फिर ऑलिगोसैकेराइड में यू विल बी सीइंग सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज. इतना याद रखो, ये तीन याद रखो तो काफी है. देन कमिंग टू पॉलीसैकेराइड्स, मैंने पॉलीसैकेराइड्स में अगेन दो टाइप्स आपको दिए थे. एक हो गया था होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड अनदर वन वाज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. होमोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, जो भी शुगर यूनिट होता है वो रिपीटेटिव मैनर में अरेंज हुआ होता है, उसको हमने कह दिया होमो. होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट. ठीक है, तो होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ सेल्यूलोस का, तो सेल्यूलोस में सारे ग्लूकोज यूनिट्स अरेंज हुए होते हैं. ठीक है, वही चीज अगर मैं हेटेरो में ले लूं तो हेटेरो में सिर्फ ग्लूकोज नहीं होते, दूसरे भी यूनिट्स हो सकते हैं. ओके, वैसा भी हो सकता है. ठीक है, जैसे ग्लूकोज भी है या फिर फ्रुक्टोज भी है, कुछ और भी साथ में है, तो सारा कुछ मिलके, बहुत सारे शुगर यूनिट्स मिलके एक हेटेरो पॉलीमर बनाता है. ठीक है, आई मीन हेटेरो पॉलीसैकेराइड. ओके, सो इन्यूलिन का मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था. इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. ठीक है, एंड जिसमें फ्रुक्टोज पॉलीमर होता है उसको हमने क्या कहा था, मैंने कल ये आपको बताया था, फ्रुक्टॉन. फ्रुक्टॉन, वी कॉल देम एज फ्रुक्टॉन. एंड जिस होमोपॉलीसैकेराइड में ग्लूकोज के यूनिट्स रिपीटेटिव मैनर में अरेंज है तो हम उसको बुलाते हैं बेटा ग्लूकॉन. ठीक है, यस, ग्लूकॉन, फ्रुक्टॉन, यू हैव टू रिमेम्बर दैट. ओके, तो ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, कल नहीं परसों पढ़ाया था. तो ये आई होप आपको सबको याद हो गया है. यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे होमो के हैं शायद. तो हेटेरो के बेटा मैंने आपको दिया था पेक्टिन, पेप्टिडोग्लाइकन, जिसमें नाम एंड नाग है, एनएसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, एनएसिटाइल ग्लूकोजामाइन. ठीक है, चलो, तो इन्यूलिन के बारे में क्लियर है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द डीएनए. ठीक है, ये अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे अपना कान, दिमाग, ध्यान, मन सब यहीं पे रख के सुने, क्योंकि ये आगे जाके ट्वेल्थ में भी आप पढ़ने वाले हो. ओके, बहुत बड़ा चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हैवी वेटेड चैप्टर है, नियरली 3 to 4 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस चैप्टर से. तो सोचो कितना हैवी वेटेड चैप्टर है. तो उसका कंटिन्यूएशन अभी जो यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना, इसका कंटिन्यूएशन वहां पे होगा. तो मैं चाह रही हूँ कि सब आंखें दिमाग खोल के यहाँ पे सुनो. ठीक है, चलो. सो डीएनए इज वॉट, द मेन फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज नथिंग बट डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, जहां पे डी ऑक्सी नहीं है तो वहां पे हमने कह दिया राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना. तो वो हमने बताया था, मैंने आपको कल एग्जाम्पल में बताया था बेटा, आई हैड टोल्ड यू, आई हैड शोन यू सम स्ट्रक्चर लाइक दिस. मैंने आपको एक ऐसा करके स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ पे वो है चर एच की बात की थी मैंने. ठीक है, ये है राइबोस शुगर. ओके, इट इज अ राइबोस शुगर. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर सेकेंड कार्बन एटम के पोजिशन में यहाँ पे नीचे वो है छ, ओके, वो है छ, तो हमने इसको क्या बुला दिया बेटा, हमने इसको कह दिया राइबोस शुगर. अगर इसी टाइप के शुगर में यहाँ पे OH की जगह पे सिर्फ H है, सेकेंड कार्बन एटम, दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे जाके यहाँ पे होगा फिफ्थ. ठीक है, तो ऐसे करके रहता है. तो यहाँ पे नीचे अगर H मिले आपको, ओके, H मिले, दैट मीन्स देर इज ऑब्जेंस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इसीलिए आपने नाम दिया इसको डी ऑक्सी. डी मीन्स निकाल दो, डी है बेटा डई नहीं, डई मीन्स टू, डी मीन्स निकालो. किसको निकालो, ऑक्सीजन को निकालो, डी ऑक्सी. ऑक्सीजन को निकाला, फिर क्या बचा, फिर बचा राइबोस. ओके, चलो, सो इसको हम कहते हैं डी ऑक्सी राइबोस, और यहाँ पे राइबोस. चलो, ये आपको याद होना चाहिए. ओके, तो नाउ दिस डीएनए इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, सो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है बेटा. तो पॉली न्यूक्लियोटाइड इज वॉट, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. देखो बेटा, पॉलीमर का मतलब क्या, बहुत सारे यूनिट्स, लंबे लंबे यूनिट्स. तो ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड है, ये पॉलीमर है, ये किस चीज से बना है, ये बना है न्यूक्लियोटाइड्स से. मैम व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, आप ठीक से बताइए, ऐसे कैसे बता रहे हैं. हाँ बेटा बता रही हूँ, सबर करो थोड़ा. ओके, न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हम कहते हैं ना बेटा, इसमें 3 चीजें होती हैं. एक होता है नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है
पेंटोज शुगर, या फिर आप नॉर्मल कह लो इसको शुगर कह लो, ठीक है, पेंटोज शुगर. उसके अलावा होता है फॉस्फेट. ओके, इसके अलावा होता है फॉस्फेट. तो एक न्यूक्लियोटाइड में ये तीन चीजें होती हैं. ओके, सो नाइट्रोजन बेस होता है, फॉस्फेट होता है, फिर पेंटोज शुगर होता है. अब मैं क्या करूंगी, कई बार कुछ केसेस में नाइट्रोजन बेस और सिर्फ शुगर है, फॉस्फेट नहीं है, तो इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियोसाइड. ओके, सो न्यूक्लियोसाइड हमें देखने को मिलेगा जिसमें फॉस्फेट नहीं है. अगर फॉस्फेट है तो उसको हमने मिला के कह दिया न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, ये दो चीजें याद रखो. न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कॉम्पोनेंट्स, न्यूक्लियोसाइड हैज 2 कॉम्पोनेंट्स. सो न्यूक्लियोसाइड डजंट हैव फॉस्फेट. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स बेटा आप न्यूक्लियोसाइड को कैसे लिख सकते हो, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोसाइड. आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जस्ट फॉर यू टू रिमेम्बर. चलो, तो अब यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं? डीएनए भी है, आरएनए भी है ना. तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे देख लो बेटा, यही चीज यहाँ पे ड्रॉ की है. सो अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कॉम्पोनेंट्स, नाइट्रोजन बेस. नाइट्रोजन बेस अगेन हैज 2 टाइप्स, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स. उसमें फिर टाइप आते हैं ए टी सी जी, वो मैं अभी बताऊंगी. ठीक है, तो वो होते हैं नाइट्रोजन बेस. इसके अलावा शुगर होता है. ओके, आइदर आर होगा, आई मीन आरएनए के लिए राइबोस होगा, इधर डीऑक्सीराइबोस होगा अगर डीएनए है तो, साथ में फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं. अब न्यूक्लियोटाइड्स में होता क्या है, 3 कॉम्पोनेंट से बना है, ये तो सबको समझ आ गया. अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है बेटा? दे आर हेटेरोसाइक्लिक कॉम्पाउंड्स. ओके, दे आर हेटेरोसाइक्लिक कॉम्पाउंड्स. अब न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए आरएनए होंगे, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ये तो देख लिया है ना, ये तो देख लिया बेटा. तो ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ओके, यहाँ पे दो कुछ ऐसे करके अरेंज हुए हैं. ओके, सो दिस ईच इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, डीएनए में बेटा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. दिस इज चेन नंबर वन, दिस इज चेन नंबर टू. सो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज अ पेयर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अरेंज्ड इन अ हेलिकल मैनर. ठीक है, ऐसे करके हेलिक्स में अरेंज हुए हैं. ठीक है, हेलिक्स. चलो तो आगे देखते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स और हेटेरो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू फॉर्म पॉली न्यूक्लियोटाइड. मैंने बताया ना, पॉलीमर का मतलब क्या है बेटा? पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मोनोमर. तो मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड है. पॉलीमर कौन है? न्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, सो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज मोनोमर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो न्यूक्लियोटाइड में कौन है बेटा? फॉस्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजन बेस है. नाइट्रोजन बेस में ए भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, और सी भी हो सकता है. ओके, तो इतना आपको याद रखना है. ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं. अब जो मैं बता रही हूँ आपको पॉली न्यूक्लियोटाइड, तो इस पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में ना बेटा, इसमें ना एक हम लोग कहते हैं बैकबोन, वो अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी. ये तो क्लियर है ना, न्यूक्लिक एसिड हैज 2 टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए. आई होप नोबडी हैज एनी डाउट्स इन दिस. इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, मैं इसे समझती हूँ. ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड में देखते हैं बेटा, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे. ओके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो है, समझ में आ गया. एक डीएनए में कितने चेन है? पेयर है, दो है. तो अभी नाइट्रोजन बेसिस में 2 टाइप्स हैं, वन इज प्यूरिन, अनदर वन इज पिरिमिडिन. ठीक है, तो प्यूरिन में अगेन 2 टाइप्स हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन. पिरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन. अगर आरएनए है तो यूरासिल. ओके, सो बेटा याद रखो, डीएनए में ये सारे प्रेजेंट होते हैं. ओके, डीएनए में ये सारे प्रेजेंट होते हैं, बट आरएनए में थायमिन की जगह पे कौन बेटा? थायमिन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है. ओके, बाकी सारे सेम, बाकी ए जी सी सेम होते हैं आरएनए में, सिर्फ टी की जगह पे यू याद रखना है आपको. ओके, सो डीएनए हैज ए जी सी टी, आरएनए हैज ए जी सी यू. ओके, चल तो अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो प्यूरिन है इट कंटेन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर. ओके, प्यूरिन में डबल रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ए और जी में. ओके, ए और जी में कितने रिंग स्ट्रक्चर है? 1 2 1 2, तो डबल रिंग स्ट्रक्चर है. वेरास पिरिमिडिन हैज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. पिरिमिडिन में कौन आएगा? सी टी यू. ओके, तो ऐसे करके याद रखो.
बेटा ये ना याद रखने के लिए मैं सिंपल चीज बताती हूँ आपको, जिसे मैंने याद रखा है शायद मेरे अपने पीयूसी से. ओके, मैंने जब पीयूसी पढ़ा था ना, पता नहीं कब पढ़ा था मैंने, 2010 आई गेस. ओके, तो उस टाइम से मैंने इसको ऐसे याद रखा है, दैट इज गैप. ओके, गैप याद रखो मतलब ग्वानाइन एडेनाइन प्यूरिन. ओके, ग्वानाइन एडेनाइन प्यूरिन ऐसे करके याद रखो, मैंने ऐसे याद रखा था. आप पता नहीं आप कैसे याद रख सकते हो, आप रख लो. ठीक है, चलो तो अभी हम लोग चलते हैं. तो मैंने आपको बताया था बेटा, न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स थ्री कॉम्पोनेंट्स, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट. न्यूक्लियोसाइड इज व्हाट, विद द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट जितना भी बचा है खजाना सारा न्यूक्लियोसाइड है. ठीक है, तो अब इनको ना हम लोग कुछ स्पेशल नेम भी देते हैं. ठीक है, इनको हमने कुछ स्पेशल नेम दे दिए हैं, तो वो क्या है यहाँ पे देखते हैं बेटा. जब हमने न्यूक्लियोसाइड्स में, ओके, न्यूक्लियोसाइड्स को देखा तो इनको एक डिफरेंट नेम भी दिया. यहाँ पे नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर बनाया तो न्यूक्लियोसाइड मिल गया. ठीक है, तो इसके नेम्स दिए हैं बेटा हमने. एडेनाइन को शुगर के साथ ऐड किया तो एडिनोसिन बना दिया. ठीक है, फिर ग्वानाइन को शुगर के साथ ऐड किया तो ग्वानोसिन. ओके, साइटोसिन को शुगर के साथ ऐड किया तो साइटिडिन. थाइमिन को शुगर के साथ ऐड किया तो थाइमिडिन. वी हैव नॉमनक्लेटेड इट. ओके, यूरासिल को यूरिडिन. तो ये नेम याद रखो बेटा, इतना कई बार पूछा गया तो नहीं है बट याद रखो. ठीक है, एडेनाइन शुगर एडेनोसिन ऐसे करके, दीज आर न्यूक्लियोसाइड्स नेम. ये किसके नेम है बेटा, ये सारे न्यूक्लियोसाइड्स के नेम है. अब न्यूक्लियोटाइड के नेम देखो, न्यूक्लियोटाइड्स के नेम देखो. ओके, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन बेस भी है, शुगर भी है, फॉस्फेट है, विच मेक्स न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडेनाइन शुगर के साथ फॉस्फेट बना के वी कॉल इट एज एडेनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड. ठीक है, तो अभी बेटा ये यूजुअली न्यूक्लियोटाइड्स करके ऐसे यूज नहीं होता है. ओके, यूजुअली हम लोग पुकारते नहीं है इसको, हम लोग क्या बुलाते हैं, नाइट्रोजन बेसिस को ही यूज करते हैं. तो इसको याद रखो, इतना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडेनाइन ग्वानाइन साइटोसिन एंड थाइमिन. ठीक है, सो लिक 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 एसिड आता है तो आप वहां पे याद रख लो कि वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, सो ओसिन करके ऐसे कुछ आता है. ठीक है, सिन सिन टिन डिन ऐसे आता है तो याद रखो वो न्यूक्लियोसाइड है. ओके, सो वेल नेमिंग इट. अब आया इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, अब आया इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, न्यूक्लिक एसिड्स है ना. सो न्यूक्लिक एसिड्स में हमने मेन चीज अभी पढ़नी है, डीएनए. सो देर आर मोर देन अ डजन फॉर्म्स ऑफ डीएनए. ओके बेटा, आपकी सिलेबस में यूरासिल प्लस शुगर, यूरालिक एसिड नहीं है, कहाँ है? अच्छा, यूरिडिलिक एसिड. अच्छा, आप पूछ रहे हो बेटा यहाँ पे यूरिडिन, यूरिडिन उन्नति, यूरिडिलिक एसिड, यूरिडिन याद रखो. मैं सच बताऊँ ना, मैं इसको पर्सनली मैंने तो याद नहीं रखा है, मैं अपने टाइम जब मैं स्टूडेंट थी तब याद रखी थी, अब इसको मैंने याद नहीं रखा है, बट आपको बिल्कुल याद रखना है, बिकॉज यू आर द वंस हु आर गोइंग टू गिव द नीट पेपर, तो आपको तो याद रखना ही है. ओके, सो यहाँ पे बेटा आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फॉर्म्स ऑफ डीएनए. आपके सिलेबस में जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया है या फिर जो आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, ये है बेटा बी डीएनए. ओके, सो वॉट एवर दैट इज गिवन इन योर सिलेबस, दैट इज बी डीएनए. इट इज अ टाइप ऑफ बी डीएनए, इट्स अ फॉर्म ऑफ बी डीएनए. तो इसके अलावा भी ए सी डी ई जेड, देर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ डीएनए विच हैज बीन सीन इन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो अब वो चीज आप देखो, आपके सिलेबस में बी है तो बी ही पढ़ लो, इतना काफी है. ओके, सो एज आई हैव टोल्ड यू, डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स अरेंज्ड एंटी पैरेलली एज अ डबल हेलिक्स. ओके, तो पैरेलल क्या होता है बेटा, सी दिस इज पैरेलल, राइट, टू लाइंस आर अरेंज्ड पैरेलली टू ईच अदर, ये पैरेलल है. लेकिन अब यहाँ पे क्या कहना है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट है एंटी पैरेलल, मतलब अगर हमने यहाँ पे 5' टू 3' लिखा है तो यहाँ पे 5' टू 3' ऐसे होगा, मतलब एक इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में आएगा. तो दोनों लाइन तो पैरेलल हैं बट उनके डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं. ओके, एक इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हुआ था ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, एक इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हुआ था ड्यूरिंग रेप्लिकेशन. तो इसको हम कहते हैं
पैरेलल तो है लेकिन दे आर अरेंज्ड एंटी पैरेलली, ओके एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है। अगर पूरा पैरेलल होता तो कैसे होता, दो तरफ भी 5' 5' होते, दो तरफ भी 3' 3' होते, बट ये नेचर में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट डजंट एग्जिस्ट इन नेचर। तो एग्जिस्ट क्या करता है नेचर में, एंटी पैरेलल डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है इतना याद रखो। अब हम लोग देखते हैं, मैं बता रही थी ना यहाँ पे आपको बैकबोन मिलता है, जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो जॉइन होते हैं या अरेंज होते हैं इन अ बैकबोन, ओके। तो बैकबोन इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर, ओके यहाँ पे देखो ऐसे करके होता है, फॉस्फेट शुगर, ओके सो दिस इज नथिंग बट द बैकबोन, ओके। तो यहाँ पे ऐसे करके बॉन्ड्स अरेंज होते हैं, सो ये बैकबोन है बेटा। अब यहाँ पे जहां पे शुगर है वहां पे नाइट्रोजन बेसिस ऐड हो जाएंगे, ठीक है वहां पे नाइट्रोजन बेसिस ऐड हो जाएंगे। सो दिस पी एंड एस आर द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स विच मेक द बैकबोन फॉर डीएनए, ठीक है। तो बैकबोन स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय शुगर एंड फॉस्फेट चेन, ओके। तो शुगर के बगल में लगा होता है नाइट्रोजन बेसिस, एंड ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ना वो हमेशा सिंगल नहीं होते, वो पेयर में होते हैं, ओके पेयर में कैसे होते हैं, जैसे जैसे पैदा हुए हैं इनको शादी करके दुनिया में आया गया भेजा गया है, इनका अस्तित्व ही शादी करके भेजा गया है। हाँ भाई, ए को टी के साथ शादी कर दिया डबल बॉन्ड के साथ, जी को सी के साथ शादी कर दिया। अब आप मुझे पूछोगे मैम हाँ दो कपल की तो आपने बात कर दी, ए और टी एक कपल है, जी और सी एक कपल है, मैम प्यार किसके बीच में बहुत ज्यादा है, प्यार बहुत ज्यादा जी एंड सी के बीच में है बेटा, क्योंकि इन दोनों के पास तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जी और सी के पास तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके पास अफिनिटी ज्यादा है, प्यार बहुत ज्यादा है, वेरस ए एंड टी के पास सिर्फ दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो प्यार है बट उतना नहीं है, ठीक है। तो ये दो कपल आप याद रखो, ठीक है, तो ए हमेशा टी के साथ ज्वाइन करेगा, जी हमेशा सी के साथ ज्वाइन करेगा। आप भूल के भी ए को जी के साथ नहीं ज्वाइन करा सकते, वो होगा ही नहीं, अगर हुआ है तो उसको हम कहते हैं बेटा म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स देर इज अ चेंज आइदर इन द डीएनए विच माइट बी अ सडन और अब्रप्ट, सडन भी हो सकता है अब्रप्ट चेंज हो सकता है, तो डीएनए में अगर कुछ चेंज हुआ है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, ए को टी के साथ शादी करवाना है, जी को सी के साथ करवाना है, ठीक है, ये होगा डीएनए में। अगर बेटा हम लोग आरएनए की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, ए होगा यू के साथ शादी करेगा, ठीक है आरएनए में ए यू के साथ शादी करेगा। अब बहुत सारे बच्चे मुझे पूछेंगे मैम आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, नहीं बेटा बहुत सारे आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं, ठीक है चलो। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया इसको शादी करवा दिया, चलो अब हमने बेटा नाइट्रोजन बेसिस हम लोग को याद रखना है, ए जी TC, U is absent in DNA, whereas it is present in RNA, ठीक है हाँ, तो ये चीजें याद रखनी है आपको, ओके अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यही चीज मैंने आपको बताई, A को T के साथ शादी करवाया विद दो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो ग्वानिन को साइटोसिन के साथ शादी करवाया विद तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे मैम अगर हमको इस शादी को तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, बेटा हम इसको हीट करेंगे, दिस इज गोइंग टू हैपन व्हेन वी वांट टू यू नो डीनेचर, व्हेन वी वांट टू डीनेचर या फिर सेपरेट द डीएनए। कई बार क्या होता है बेटा, हम लोगों को स्टडी करने के लिए इन बायोटेक्नोलॉजी, आप नेक्स्ट ईयर आके पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी, इफ वी वॉन्ट टू यू नो मॉडिफाई द जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, अगर वो डबल स्टैंडर्ड में है, लेकिन आपको क्या करना है उस डबल स्टैंडर्ड में एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड के साथ सेपरेट करके यू वांट अ डिफरेंट स्ट्रैंड टू गेट एडेड देयर। आप कोई फॉरेन यू नो जीन लाते हो या फिर कुछ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ डीएनए लाते हो, उसको एड कराते हो उसके साथ, तो आप कुछ पर्टिकुलर वहां पे कुछ प्रोटीन एक्सपेक्ट कर रहे हो या कुछ एक एक्सप्रेशन यू वांट देयर, ओके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, फिनोटाइपिक मतलब बेटा जो आंखों को दिखने वाला, ऐसा कुछ आप चाह रहे हो तो वहां पे कर सकते हो, ठीक है, बट नेचुरली ऐसे होता है, याद रखो, ठीक है। नाउ अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिंक्स विद द 3 carbon ऑफ द शुगर ऑफ 1 nucleotide टू द 5 carbon शुगर ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। देखो बेटा इसको पढ़ो मत, डोंट रीड दैट, यहाँ पे मुझे सुनो, लिसन टू मी, ओके यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लेफ्ट में देखो दिस इज नाइट्रोजन बेस, ओके ये तो नाइट्रोजन बेस है, ये भी नाइट्रोजन बेस है, दिस इज नाइट्रोजन बेस
अगेन दिस इज नाइट्रोजन बेस जो यहाँ पे ऐसे करके है ना. सो दिस इज शुगर 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 शुगर, ये फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट. ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है बेटा यहाँ पे लास्ट वन जो टॉप मोस्ट है इसका, ओके इसका जो फिफ्थ कार्बन एटम है ना यहाँ पे, हमने राइबोस को ऐसे ड्रॉ किया था है ना, राइबोस को ऐसे ड्रॉ किया था, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे आएगा 5 है ना. तो यहाँ पे देखो ये 5 है. तो अब क्या होगा बेटा, डीएनए ना कहीं तो जाके टूटेगा, ओके कहीं ना कहीं जाके तो डिसकंटिन्यू होगा. तो यहाँ पे जब ऐसा डिसकंटिन्यू होता है तो हमने इसको कह दिया बेटा 5' एंड. यहाँ पे कौन एक्सपोज हो रहा है, यहाँ पे 5 कार्बन एटम, फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ द राइबोस या फिर डीऑक्सीराइबोस का यहाँ पे एक्सपोज हो रहा है कार्बन एटम. अगर ऐसे करके एक्सपोज हुआ है तो इसको हम बुलाते हैं 5' एंड, इसको बुलाते हैं बेटा 5' एंड. ओके, अब ये हो गया एक तरह का, एक तरफ का एंड. अब ये हो गया, अब ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है. अब आप लास्ट न्यूक्लियोटाइड में आओ. ओके, सो दिस इज लास्ट न्यूक्लियोटाइड. तो लास्ट न्यूक्लियोटाइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिफ्थ कार्बन एटम जो है वो फॉस्फेट के साथ ज्वाइन होगा. अब ये जो फॉस्फेट है, ओके यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो फिफ्थ कार्बन एटम है राइबोस का या फिर डीऑक्सीराइबोस का, ये फॉस्फेट के साथ ज्वाइन करेगा. अब ये जो फॉस्फेट है ये फिर उसके ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड के साथ कौन से कार्बन एटम के साथ ज्वाइन करता है बेटा, 3'. अब ये 3 है ना यहाँ पे, ये 3 है. तो यहाँ पे देखो इस शुगर का 3 पोजिशन, 3rd कार्बन पोजिशन पे फॉस्फेट ज्वाइन करेगा. अब फिर यहाँ पे 5 होगा. ओके, यहाँ पे 5 इस शुगर का, यहाँ पे ऊपर 5 फॉस्फेट के साथ ज्वाइन करेगा, ऊपर फिर 3 के साथ ज्वाइन करेगा. ओके, यहाँ पे अगेन ये शुगर यहाँ पे 5 पोजिशन है, 5th पोजिशन, यहाँ पे 5th फॉस्फेट के साथ ज्वाइन करेगा और ये जो फॉस्फेट है उसके ऊपर वाले 3 पोजिशन ऑफ शुगर के साथ ज्वाइन करेगा. तो ऐसे करते करते अगर एक एंड में 5' है तो उसके ऑपोजिट एंड में 3' एंड होगा. ओके, अब ये जो 3' एंड है यहाँ पे नीचे करके वो हेच रहता है. ओके, 3rd प्राइम में हमेशा यहाँ पे वो हेच होता है. समझ आ रही है बेटा बात, मैंने अभी आपको बताया ना, अगर डीएनए अरेंज होता है तो यहाँ पे एक तरफ 5' एंड होता है, दूसरी तरफ 3' एंड होता है. अगर यहाँ पे 5' एंड है तो क्या स्टेटस है यहाँ पे, यहाँ पे बेटा जो एक्सपोजिंग शुगर है वो यहाँ पे 5' एंड है. अब ये 5' एंड क्या करेगा, अब ये रेडी हो रहा है कि 3rd कार्बन एटम ऑफ शुगर के साथ ज्वाइन करे, बट यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ है. तो ये एंड है इसका, टर्मिनल है 5' टर्मिनल. अब इसी तरीके से यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, 3' टर्मिनल है. ठीक है, तो अब इसके ऑपोजिट साइड में अब मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे एंटी पैरेलल अरेंजमेंट करूंगी ना. अब इसको मैंने एंटी पैरेलल अरेंजमेंट करूंगी तो आप देखोगे ये जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, समझो. अब ये क्या हो रहा है, ये 5' टू 3' ऐसे करके हुआ था पॉलीमराइजेशन. हमेशा याद रखो बेटा, डीएनए जब बनता है, ओके सो डीएनए जब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते 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 जब पॉलीमराइजेशन होती है तो वो होता है बेटा हमेशा 5' टू 3'. ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में हुआ था, ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में 5' टू 3' हुआ था. अब ये जो ऑपोजिट वाला पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है, मतलब यहाँ पे 5' होगा और यहाँ पे 3' होगा. ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम देखो बेटा समझाने के लिए. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शुगर है, ये शुगर है ना, ये शुगर है, दिस इज शुगर. ये नाइट्रोजन बेसिस है, देखो ये एडेनाइन है, ये ग्वानाइन है, ये साइटोसिन है और ये थाइमिडिन है. ठीक है, अब ये जो शुगर्स हैं जो ब्लू कलर में लिखे हैं मैंने, अब ये शुगर में आप चेक करो बेटा, ये इसका है 3' रीजन, ये 2' रीजन, ये 1. ओके, प्राइम मतलब कार्बन एटम समझो, यहाँ पे 5, यहाँ पे सॉरी 4, यहाँ पे 5. ओके, तो जो ऊपर वाला है ना, सबसे ऊपर वाला शुगर, तो इसका फिफ्थ जो है, इसका जो फिफ्थ कार्बन एटम का जो एंड है ये फॉस्फेट के साथ ज्वाइन हुआ है. तो अब क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज 5', ये 5' एंड है. ठीक है, अब इसी तरीके से अब नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पे देखो कौन एंड आपको खाली पड़ा है, ये एंड आपको खाली पड़ा है बेटा, ये तो 3rd कार्बन एटम का एंड है जहां पे आपको वो हेच मिला था. ठीक है, सो दिस इज 3' एंड. तो अब इसके ऑपोजिट में अरेंजमेंट होगी. ओके, बिल्कुल सेम चीजें होंगी, ऑपोजिट में अरेंजमेंट होगी. ये अगर ऐसा है तो यहाँ पे, अरे भाई एक मिनट रुको यार,
कुछ सीरियसली एक्सप्लेन कराती हूँ ना, तभी ये सब होता है। अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे उल्टा जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड? बेटा ये आपको अभी इस सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन 12th में होगा, तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। अभी से अच्छे से समझ लो, ताकि आगे जाके आपको समझने में आसानी हो। ठीक है? डिड यू अंडरस्टैंड 5 प्राइम? व्हाट इज 5 प्राइम? 5 प्राइम एंड इज नथिंग बट इट इज अ शुगर मॉलिक्यूल। ओके, तो वहां पे शुगर है, पेंटोज शुगर है, जिसका 5th कार्बन एंड खाली है, ओपन है, ज्वाइन होने के लिए रेडी पड़ा है, लेकिन दैट इज फ्री एंड। अगर 3 प्राइम में जाओ तो वहां पे क्या होगा? फ्री एंड वुड बी 3 कार्बन एटम। ओके, तो 3 कार्बन एटम को ही मैम क्यों लेते हैं यहाँ पे? हम लोग 2 को भी ले सकते हैं ना, 2 कार्बन एटम को भी ले सकते हैं, 4 कार्बन एटम को भी ले सकते हैं, व्हाई वी आर टेकिंग ओनली 3? अगर ऐसा सवाल आ रहा है आपके मन में, तो बेटा पॉलीमराइजेशन होते टाइम पे यहाँ पे जो ज्वाइनिंग होती है ना, वो मैंने आपको क्या बताया था? 3 5 3 5 3 5 ऐसे करके ज्वाइनिंग हुई थी, है ना? तो यहाँ पे आइदर 3 एंड होगा या तो 5 प्राइम एंड ही होगा। सो दूसरे कार्बन एटम्स का टेंशन मत लो, क्योंकि बाइंडिंग कौन कर रहा है? 3 के बीच में फिर फॉस्फेट होगा, 5 के बीच में फॉस्फेट, फिर यहाँ पे फॉस्फेट फॉस्फेट, ऐसे करके बाइंडिंग होती है ना? आप यहाँ पे देख रहे हो, आई होप दिस इज क्लियर। 5 है 3। ओके, सो 5, अब यहाँ पे 5 है बेटा, तो यहाँ पे फॉस्फेट जाएगा, ऊपर 3 मिलेगा। अब यहाँ पे 3 है तो फॉस्फेट, यहाँ पे 5। ओके, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 है तो अगेन फॉस्फेट, यहाँ पे 5, तो ऐसे करके अरेंजमेंट होती है। ओके, इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गया? आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ माई टाइम हियर, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट। समझ आ गया? यस, समृद्धि, उन्नति, उषा, सॉरी जोशी। ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट। अब बेटा हम लोगों ने एंटी पैरेलल अरेंजमेंट तो समझ लिया, अब हमको समझना है बॉन्ड्स। आप जब डीएनए की बात करते हो, तो डीएनए में कितने बॉन्ड्स आते हैं बेटा? 3 बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, वन इज एस्टर बॉन्ड, ओके एस्टर बॉन्ड, अनदर वन इज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। मतलब एस्टर को आप डाइफॉस्फोडाइएस्टर भी कह सकते हो। ठीक है, चलो, तो फॉस्फोडाइएस्टर एस्टर में भी आपको समझाऊंगी किधर है डाइएस्टर, किधर है फॉस्फोडाइएस्टर। ठीक है, तो अभी बॉन्ड्स की तरफ आते हैं बेटा। वी लुक एट द बॉन्ड्स नाउ। तो 1 मिनट में इसको अरेज कर देती हूँ सारा। ओके तो समझते हैं यहाँ पे। ओके, सो 1 मिनट, इसमें आने से अच्छा है, हाँ यहाँ पे देखो, लुक एट दिस पिक्चर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे क्या हो रहा है? लुक एट दिस फिगर। कैन यू टेल योर नेम, टेल द नेम ऑफ द बॉन्ड्स वंस अगेन? ओके उन्नति, मैं काम कर देती हूँ बेटा, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, मैं आपको लिख देती हूँ। ठीक है, एक हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके दूसरा हो गया एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तीसरा हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, 3 बॉन्ड्स यू विल बी सीइंग इन डीएनए। ठीक है, 3 बॉन्ड्स देख रहे हैं हम लोग। ओके, तो फर्स्ट बॉन्ड बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल बी प्रेजेंट। यहाँ पे मैं काम करती हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक अगेन एक स्क्रीन ले लेती हूँ, एक स्क्रीन में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो यहाँ पे देखो, फॉस्फेट होगा, शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, है ना? फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस। शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, ये जो बॉन्ड है, ये है बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, किसके बीच में? शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। ओके, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड है, वो है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये नाइट्रोजन बेस दूसरा नाइट्रोजन बेस के साथ ज्वाइन करेगा, है ना? यहाँ पे समझो, अगर ये ए है, यहाँ पे टी है, तो 2 बॉन्ड बने। तो ये कौन से बॉन्ड्स हैं? ये है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 1,
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट बॉन्ड. अभी बचा तीसरा बॉन्ड, वेयर इज थर्ड बॉन्ड? बेटा जो तुमका थर्ड बॉन्ड है ना यहां पे होगा, शुगर और फॉस्फेट के बीच में. कहाँ पे है? शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो ये बॉन्ड है यहां पे, इसको हमने बुला दिया एस्टर बॉन्ड. ओके, ये हो गया एस्टर बॉन्ड. इसको बहुत सारे लोग ना फॉस्फो डाई एस्टर भी कहते हैं. एस्टर बॉन्ड इज नथिंग बट फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड. अब आप मुझे बोलो मैम क्यों, मैम एक ही नाम देते तो काफी होता, क्यों ये दो दो नाम देके हम हमारे जैसे बेचारे भोलों को ये लोग कंफ्यूज करते हैं. अब क्या ही करें बेटा, क्या ही कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो क्यों इसका नाम है ऐसे करके, पी एस एन है ना. तो अभी ऊपर जाके अगेन यहाँ पे पी एस रहेगा, एन होगा, अगेन ऊपर जाके पी रहेगा, एस एन. तो ऐसे करके यहाँ पे फिर एन एस पी एस एन पी एस एन. ओके, सो ऐसे करके अरेंजमेंट होती है. ओके, दिस इज वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. ओके, दिस इज सेकेंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अ पेयर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अब बेटा मैंने आपको क्या बताया, जो पी एंड एस के बीच में मतलब फॉस्फेट एंड शुगर के बीच का जो बॉन्ड है वो एस्टर बॉन्ड है. तो अगर ये एक ही बॉन्ड की बात हो रही है तो हमने कह लिया इसको एस्टर बॉन्ड. अगर इन दोनों की बात हो रही है, ओके, मतलब ये जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट के सर के ऊपर भी एक बॉन्ड जाके शुगर के साथ बाइंड हो रहा है, फॉस्फेट के नीचे भी एक बॉन्ड लग के शुगर के साथ बाइंड हो रहा है, तो हमने इसको कह दिया बेटा फॉस्फो. फॉस्फो का मतलब क्या है? फॉस्फेट. डाई मतलब दो, दो बॉन्ड्स बना रहा है एस्टर के, एक नीचे वन एक ऊपर दो. ओके, तो इसको हमने कह दिया फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड. हो रहा है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन के थ्रू यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बना है. अगर यहाँ पे एक की बात हो रही है तो एस्टर बॉन्ड, अगर दोनों मिला के कह रहे हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ठीक है, सो टोटली देर आर थ्री बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डीएनए, हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है, मैं सच बता रही हूँ बेटा, इतने धीमे धीमे इतने हल्लू से कोई नहीं बताता, मैं ही इतना टाइम लेके समझा रही हूँ बायो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है बहुत सारे बच्चों को ना डर लगता है बायो मॉलिक्यूल से. मतलब एक्चुअली आई लव इट, आप समझ के पढ़ो तो बहुत इजी है. ठीक है, डरना नहीं है बेटा, किसी चीज से डरना नहीं है, जिंदगी में कुछ भी हो डट के फेस करना है. ठीक है, चलो तो यहाँ पे अभी देखो क्या लिखा है. अ बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ओके एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर. हाँ बेटा डेफिनेटली हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर. अभी अब हाइड्रोक्सिल को इतना टेंशन में मत लो, फॉस्फेट एंड शुगर के बीच वाला कौन सा है? एस्टर बॉन्ड. ठीक है, एज देर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड, तो दोनों साइड है ना बेटा एस्टर बॉन्ड, तो इसीलिए इसका नाम हमने दे दिया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस को हमने कह दिया एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ओके, सो दीज आर थ्री बॉन्ड्स. चलो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो डीएनए का स्ट्रक्चर जब देखते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दिस इज वन चेन एंड दिस इज अदर चेन. ये बेटा इसको हमने अनवाइंड किया है, जो लेफ्ट में है ना इसको मैंने देती हूँ ए नाम और इसको देती हूँ बी नाम. ठीक है, तो ए का जो डीएनए देखो बेटा इट इज अनवाइंडेड, मतलब यूजुअली डीएनए ना ऐसा राइट हैंड हेलिकल मोड में घुमा हुआ होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स में ऐसे करके घुमा हुआ होता है. ओके, मैंने इसको क्या किया, ये घुमा हुआ था ना इसको ऐसे अनवाइंड किया, जैसे कोई धागा है बेटा. ओके, कोई जिसे हम कहते हैं धागा, एक मोटा धागा कई सारे पतले धागों के साथ बना होता है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, वो धागा एक तरफ घुमा हुआ होता है उसको मैं ऑपोजिट तरफ घुमा के उसको सीधा कर दूंगी. इसी तरीके से यहाँ पे डीएनए को मैंने अनवाइंड किया है और इसको पैरेलली लैडर की जैसे बनाया. लैडर मतलब वो कहते हैं ना बेटा सीढ़ी, पता नहीं अब सुनो सांप सीढ़ी कहते खेलते थे ना, स्नेक एंड लैडर, तो ऐसे करके लैडर बना लिया यहाँ पे. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तो डीएनए हैज टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. ओके, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं. अब क्या होगा, यहाँ पे एक होता है मेजर ग्रूव, मेजर ग्रूव प्रेजेंट होता है. ग्रूव मतलब बेटा होता है ना जैसे डीप पिट कह लेते हैं उसको. एक होता है मेजर ग्रूव, दूसरा होता है माइनर ग्रूव.
ठीक है, जब दोनों ही हेलिकल टाइप में अरेंज हुए होते हैं तो इसको हमने बुला दिया बेटा माइनर ग्रुप। देखो यहाँ पे जगह बहुत कम है, माइनर मतलब छोटा सा। अब ये देखो कितनी बड़ी जगह है यहाँ पे, तो हमने इसको क्या कह लिया, इसको हमने कह दिया मेजर ग्रुप। ठीक है, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, मेजर ग्रुप है, माइनर ग्रुप है, फिर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पैरेलली अरेंज है लेकिन एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है। क्यों? क्योंकि 5' टू 3' है, 5' टू 3' है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंजमेंट हुई है। ठीक है, अब बेटा मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे बैकबोन होता है शुगर एंड फास्फेट का। तो शुगर के बगल में कौन लगा होता है, नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है, इन्होंने नाइट्रोजन बेस पेयरिंग की है। ये वर्ड्स बेटा याद रखो, नाइट्रोजन बेस पेयरिंग। यूजुअली नाइट्रोजन नहीं कहते, सिर्फ बेस पेयरिंग कहते हैं हम लोग। आप कोई भी मतलब थोड़ा बड़े से टेक्स्ट बुक्स निकाल के देखोगे ना, तो वहां पे लिखा होगा बेस पेयरिंग। ओके, तो बेस पेयरिंग का मतलब क्या होता है, दो नाइट्रोजन बेसस अरेंजमेंट करके वो पेयर करते हैं, मतलब शादी कर ली है उन्होंने अभी। ठीक है, तो दैट इज पेयरिंग। ओके चलो, तो यहाँ पे ए को टी के साथ पेयर किया तो दो बॉन्ड, सी को जी के साथ पेयर किया तो सी बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया बेटा बेस पेयरिंग। अब यहां से लेके यहां तक हमने इसको बुला दिया एक टर्न। वन टर्न ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ वन माइनर ग्रुप एंड वन मेजर ग्रुप। एक मेजर ग्रुप होता है, एक माइनर ग्रुप होता है। यहाँ पे माइनर ग्रुप है और यहाँ पे मेजर ग्रुप है। ठीक है, तो एक टर्न में क्या होता है बेटा, एक माइनर एक मेजर दो ग्रुप होते हैं, एंड उस एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स, या फिर 10 स्टेप्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, अब ये जो एक टर्न है, एक टर्न का लेंथ कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम फॉर ईच स्टेप। बेटा आप मुझे पूछोगे मैम 34 या 3.4, ठीक से बताइए। बेटा एक टर्न का 34, एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में दो नाइट्रोजन बेसेस है ना यहाँ पे, तो दो नाइट्रोजन बेस पेयरिंग हुई है, तो दो बेस पेयरिंग के बीच का जो गैप है वो होगा 3.4। मैम कैसे आपने करिया इसको, बेटा 34 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3.4। मैं मैथमेटिक्स में इतनी स्ट्रांग तो नहीं हूँ, लेकिन इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो मुझे आता है भाई। ठीक है, ऐसा मत समझो बायोलॉजी मैडम को सिर्फ बायोलॉजी आता है, नहीं, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी आता है, थोड़ा बहुत फिजिक्स भी आता है, मैथ्स भी आता है। ठीक है, तो 34 डिवाइडेड बाई 10 किया तो 3.4। बेटा याद रखो 34 इज अ टोटल वन टर्न का। अब मैम 10 से ही क्यों आपने डिवाइड किया, बेटा 10 बेस पेयरिंग हुई है ना एक टर्न में, तो 10 बेस पेयरिंग हुई है, तो 3.4 उन बेस पेयरिंग के बीच का गैप है। ठीक है चलो, तो इतना आपको याद रखना है, एट ईच स्टेप द स्ट्रैंड टर्न्स 360 डिग्री। हाँ बेटा ये तो याद रखो, पूरा टर्न होगा 180 डिग्री, ऐसे नहीं, पूरा पूरा फिरता है, घूमता है। ठीक है, इतना याद रखो। अब चलो यहाँ पे कुछ मैंने डिटेलिंग दी है, अभी जो मैंने आपके लिख के समझाया वो यहाँ पे दे के समझाया है। ठीक है, डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कॉल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। सबको समझ आ गया? यस मैम, क्लियर। पिच, हाँ पिच और टर्न दोनों एक ही है। ओके, सो प्लीज रिमेम्बर टर्न इज इक्वल टू पिच, पिच इज इक्वल टू टर्न। मैम कौन सी पिच, मैम वर्ल्ड कप चल रही है वो वाली पिच क्या, क्रिकेट वाली पिच? हाँ बेटा वो भी पिच ही है, वो डिफरेंट पिच है। हमारे डीएनए में एक टर्न को हम पिच कहते हैं। ठीक है, सो हाँ एक पिच में कितना होगा बेटा, तो यहाँ पे होगा 34 एंगस्ट्रॉम एक टर्न का, एक टर्न का होता है। ओके, एक टर्न का, तो अरे बाप रे मैंने क्या समझाया बेटा आपको, यहाँ पे दो बेस पेयरिंग होती है ना, दो बेस। आप यार मैं तो वीक हूं यार मैथ्स में, तुम लोग मुझे समझा सकते थे ना, यहाँ पे 3.4 होता है या 0.34 होता है, क्या होता है? हाँ क्या बेटा, क्या होता है, 3.4 होता है या 0.34 होता है? 3.4 ही होता है, आर यू श्योर? तो मेरा मैथमेटिक्स ठीक है। चलो तो यहाँ पे याद रखो, याद कैसे याद रखना है आपको। ओके, सो 3.4 नैनोमीटर जो है ना, इट इज इन द मेजर ऑफ नैनोमीटर। ठीक है, ये नैनोमीटर के मेजरमेंट में है बेटा, बट 34 एंगस्ट्रॉम ये एंगस्ट्रॉम में है, यूनिट बदलता है तो नैनोमीटर।
दूसरा यूनिट है, ठीक है. सो 3.4 नैनोमीटर इज फॉर पर पिच ऑफ द हेलिक्स. ओके बेटा, मैंने आपको गलत समझाया, मुझे सॉरी, मिस्टेक हो गया था, ठीक है. तो क्या होता है बेटा, जो एक मैंने बताया ना आपको 34 एंगस्ट्रॉम, तो 34 एंगस्ट्रॉम जो है दैट इज नथिंग बट 3.4 नैनोमीटर, ठीक है. तो मैम अब आपने क्या बता रहे हैं आप, दो बेस पेयरिंग के बीच में कितना होगा बेटा, दो बेस पेयरिंग के बीच में होगा 0.34 नैनोमीटर. मैं एंगस्ट्रॉम में थोड़ा कंफ्यूज हो गई, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के बीच में, ठीक है. सो प्लीज रिमेम्बर, मैं कंफ्यूज होके थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया. अभी याद रखो, एक जो टर्न होता है उसमें 34 एंगस्ट्रॉम होता है, नैनोमीटर में कहो तो 3.4 नैनोमीटर, ठीक है. अगर दो बेस पेयरिंग के बीच का डिस्टेंस आप बता रहे हो तो दैट इज 0.34 नैनोमीटर, ठीक है. अब आप मुझे ये मत पूछो कि मैम 0.34 नैनोमीटर का एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, बेटा तुम जाके देख लो, मैं ऑलरेडी बहुत यहाँ पे कंफ्यूज आ गया हूँ, ठीक है. तो 3.4 नैनोमीटर इतना याद रखो बेटा, इतने डिटेल में कोई पूछता नहीं है तुमको, इतना टेंशन मत लो, ठीक है. सो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ईच टर्म, 10 बेस पेयर्स होते हैं. डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर, मतलब जो एडजेसेंट बेस पेयर बगल के बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है, ओके. प्लीज सॉरी बेटा, कई कभी कभार पढ़ाते पढ़ाते हम भी हो जाता है हमारे पास भी, ओके. सो बुरा मत समझना, जज मत करना मैडम को, बस यहाँ पे देखो 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 नैनोमीटर, दो एडजेसेंट के बीच में 0.34 नैनोमीटर, ठीक है. सो बैकबोन ऑफ डीएनए इज फाउंड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, तो एन बेस वो अंदर होता है, दे प्रोजेक्ट इनसाइड. मैम प्रोजेक्ट वर्क क्या दिया है, प्रोजेक्ट नहीं बेटा, प्रोजेक्ट दिया है. तो शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है उसके अंदर होता है नाइट्रोजन बेस. द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, इसका मतलब क्या है, वन चेन हैज 3' to 5' एंड दूसरा होगा 5' to 3' एंड, ठीक है. द बेसिस ऑफ द टू स्टैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर्स, जो पेयरिंग हुई है वो हुई है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है. तो अब याद रखो, तो राइबोस इज अ पेंटोज शुगर विच हैज 5 कार्बन शुगर, मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में, ओके. राइबोस हैज OH ग्रुप एट 2 कार्बन पोजिशन, whereas deoxyribose has H group at 2 कार्बन पोजिशन, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया था, ओके. हाँ ये सब तो मैंने बता लिया है बेटा, हो गया, समझ में आ गया, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना. तो बेटा दैट्स ऑल, डीएनए के बारे में इतना जान लो तो काफी है, ठीक है. हाँ ये मुझे ऐड करना था, मैंने आपको बताया ना देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ डीएनए लाइक ए बी सी ई जेड डी, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो दिया है वो बी डीएनए है, ओके, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, एंड बी फॉर्म ऑफ डीएनए इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है. तो यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया है यहाँ पे हीलिक्स टाइप, किस टाइप का हीलिक्स है, अभी मैंने बताया ना डीएनए राइट हैंडेड हीलिक्स फैशन में घुमा हुआ है, तो ये बी डीएनए की बात हो रही थी, ठीक है. 3.4 नैनोमीटर इज द हेलिकल पिच, पिच इज नथिंग बट टर्न, अगर एंगस्ट्रॉम में कहो तो 34 एंगस्ट्रॉम, याद रखो, ठीक है. तो हेलिकल राइज का मतलब है दो बेस पेयरिंग के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर, ठीक है. हेलिक्स का डायमीटर, ओके, हेलिक्स डायमीटर तो ऐसे होता है ना बेटा, अगर देखो ऐसा डीएनए है तो ये डायमीटर है, दिस इज डायमीटर, ओके, दैट इज 2.6 नैनोमीटर. नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न कितने हैं, 10 है, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप, दिस मच यू नीड टू नो. Okay, now coming to very, very, very important question related to NEET, मतलब बहुत important question है. Okay, there is a person called as Erwin Chargaff. Okay, Erwin Chargaff उस बंदे का नाम है. तो इसने एक rule दिया है बेटा, इस बंदे ने एक rule दिया है. क्या rule दिया है इन्होंने? इन्होंने बोला है जितना A होगा उतना T होगा, कितना A है उतना T है, कितना जी है उतना सी है, ओके. सो क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ थाइमिन, टोटल नंबर ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ साइटोसिन. क्यों बेटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो शादी हो रही है ना, ए को टी के साथ शादी करवाया, तो जी को सी के साथ शादी करवाया, अब हमने शादी करवा रहे हैं तो सेम नंबर ऑफ लड़का और सेम नंबर ऑफ लड़की होनी चाहिए, तभी तो शादी होगी ना. अगर कोई भी अकेला बच्चा है तो शादी हो सकती है, तुम मतलब कॉमन सेंस लगाओ, अगर सिर्फ लड़का है, एडेनाइन है, थाइमिन नहीं है तो शादी होगी, या फिर थाइमिन है एडेनाइन नहीं है तो शादी होगी, नहीं ना, दोनों को सेम नंबर में होना चाहिए तभी होगी शादी. तो ये कहा, इसको कहा चार्विन
सॉरी एडविन चारगाफ ने, ओके इसको कहा। तो अब इसको इसने फॉर्मूला के थ्रू भी बताया, जैसे यहाँ पे देखो इसने फॉर्मूला दिया है यहाँ पे a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, ओके a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। मतलब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ बेटा, समझ लो a 20 है, ओके 20% एडेनाइन है एंड 30% ग्वानाइन है, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 20% एंड g इज इक्वल टू 30%। अब आपका सवाल है t कितने परसेंट होगा और c कितने परसेंट होगा। ये नीट का क्वेश्चन है भाई, मैं अपने दिमाग से खिचड़ी नहीं पका रही हूं यहाँ पे। t कितना होगा? वेरी गुड, t 20 होगा, c 30 होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा अब एक टाइप का फॉर्मूला है कुछ, a प्लस जी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू वन। आप जो कोई भी फॉर्मूला चाहिए लगा लो, लेकिन बहुत ईजी है, ओके वेरी गुड स्मिथ। ओके सो समझ में आएंगे एडविन चारगाफ रूल सभी को, कितना एडेनाइन है उतना थाइमिन रहेगा, जितना ग्वानोसिन है उतना साइटोसिन रहेगा, ठीक है। अगर मैम हम लोग आरएनए की बात कर रहे हैं तो जितना यूरासिल होगा उतना एडेनाइन होगा, ठीक है। चलो सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, अ न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इज नॉट हैविंग, तो किससे फर्क हो बेटा, न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड से कैसे हम लोग डिफर कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, सी फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट नहीं है तो हमने उसको कह दिया था न्यूक्लियोसाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इन न्यूक्लिक एसिड इज, क्या कह रहा है, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस। तो ये पूछ रहा है फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर के बीच वाला बॉन्ड कौन सा है। वेरी गुड उन्नति एंड अलवीरा, इट इज एस्टर बॉन्ड। वेरी गुड समृद्धि, यस ठीक है एस्टर बॉन्ड। चलो मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म के बारे में, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दो स्लाइड्स ऐड की हूँ, क्योंकि बेटा अभी मैं नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी आपको समझाऊंगी ना, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत ये हेल्प में आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ओके मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस एक ही टाइम पे बहुत सारे हो रहे हैं, ओके क्या क्या हो सकता है, जैसे देखो फूड इनटेक, आप क्या कर रहे हो, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, स्क्विड गेम देख रहे हो, स्क्विड गेम देखते देखते आपने फूड इनटेक किया, आपने फूड खाया, तो खाते खाते फूड में ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, ओके एक हो रहा है ब्रेक डाउन। अब साथ साथ में एनर्जी भी है, एनर्जी है इसीलिए तो आप स्क्विड गेम देख रहे हो, इसी एनर्जी है इसीलिए तो आप खाना खा सक रहे हो, तो एनर्जी भी क्रिएट हुई है। साथ में अगर आपके बॉडी में कहीं घाव था तो वो रिपेयरिंग हो रही है, कंटिन्यूस माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस हो रही है इसीलिए तो आपकी बॉडी रिपेयर कर रही है, तो एक्टिविटीज के लिए एनर्जी है, तो ये सारी चीजें एक साथ आपके बॉडी में हो रही हैं, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में हो रही हैं, तो इसको हमने बुला दिया बेटा मेटाबॉलिक प्रोसेस, ओके। तो इसके अलावा भी क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो एसिड टू फॉर्म अमाइन, देन रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये सारे प्रोसेस हो सकती हैं, ओके वेरी गुड समृद्धि। मेटाबॉलिज्म में दो टाइप होते हैं बेटा, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं है क्या चीज आखिर, ओके मैंने शायद स्लाइड्स में नहीं दिया है तो ऐसे बता देती हूँ बेटा, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनी रिएक्शन, जैसे समझ लो कोई भी एक चीज ब्रेक डाउन हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा, अगर स्टार्च है तो वो ग्लूकोज हो रही है, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, स्टार्च इज अ वेरी बिग पॉलीमर, मतलब ये पॉलीसैकराइड है बेटा, ग्लूकोज तो मोनोसैकराइड है, तो पॉलीसैकराइड से मोनोसैकराइड हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी यूज हो रही है, तो बड़े सारे पॉलीमर से छोटा छोटा पॉलीमर हो रहा है, तो ये हो गया कैटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब बड़ा से छोटे में ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर एनाबॉलिज्म कहूँ तो वहां पे बिल्डअप हो रहा है,
ओके, बिल्डिंग अप ऑफ अ रिएक्शन इज अ एनाबॉलिक रिएक्शन. जैसे मैं आपको एग्जांपल में कहती हूँ बेटा, क्या एग्जांपल ले लें हम लोग, हाँ इसी को ले लो, इसी को ऑपोजिट में एग्जांपल ले लो. ओके, ऑपोजिट अगर ग्लूकोज ग्लूकोज आप मिलाओगे, ओके ग्लूकोज ग्लूकोज आप अगर जमाओगे ना, ओके तो आपको मिलेगा स्टार्च. बेटा ये हमारे बॉडी में स्टार्च नहीं होता. अगर समझो बेटा, यू हैव टेकन इनफ ग्लूकोज, आपने इनफ ग्लूकोज इंटेक कर लिया. अब आप कह रहे हो मैम हमारे बॉडी में स्टार्च होगा, नहीं स्टार्च ही होगा, बट उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन. प्लांट में कहते हैं बेटा स्टार्च, प्लांट में स्टार्च होता है, मतलब जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च होता है. हम एनिमल्स में भी स्टार्च है, बट उसको हमने एक फैंसी नेम दे दिया ग्लाइकोजन. ठीक है, तो ये क्या है, ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है. ठीक है, ये मतलब समृद्धि ने इसको कह दिया, तो मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया बस. चलो, तो अब मेटाबोलाइट्स जो है बेटा, तो मेटाबॉलिज्म होने के लिए हमारे बॉडी में कुछ मेटाबोलाइट्स चाहिए. तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दूसरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सो व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दे हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शंस इन फिजियोलॉजिकल एंड नेसेसरी फॉर लाइफ. ओके, बस ये हो गया बेटा, इसके बाद हम खत्म करेंगे, तुम नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो. ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या कौन से हो सकते हैं बेटा, अमीनो एसिड्स, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, विटामिन्स, ये सारे हैं. मतलब दे हैव अ वेरी वाइटल रोल इन अवर मेटाबॉलिज्म, हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, ये होना बहुत जरूरी है. जैसे शुगर्स, अगर हमारे बॉडी में शुगर्स नहीं है तो हम लिटरली मर जाएंगे, एनर्जी नहीं आएगी, क्या क्या कर सकता है कोई भी. अगर न्यूक्लिक एसिड नहीं है तो समझो, न्यूक्लिक एसिड इज अ डीएनए भाई, सब कुछ हो रहा है हमारे डीएनए से. तो ये बेसिक है, बेसिक नीड है, रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को होना ही होना चाहिए. अब आते हैं बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो हम ह्यूमंस में नहीं होते, प्लांट्स में देखा जाता है. ठीक है, ये होते तो हैं लेकिन इनका कोई भी डायरेक्टली काम नहीं होता रिप्रोडक्शन में या ग्रोथ में या डेवलपमेंट में, बस ये होते हैं. प्लांट को खुद को नहीं पता ये क्यों बना रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, लेकिन हम ह्यूमंस तो सेल्फिश हैं, हमने डिस्कवर कर लिया कि प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, हम उनको एक्सट्रैक्ट करके अपने यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, फाउंड इन प्लांट फंगाई एंड माइक्रोबियल सेल्स. एग्जांपल्स कौन से हैं, अल्कलॉइड्स, पिगमेंट्स, टर्पिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स, ये सारे. तो ये सारा लिस्ट है, ये अब तक ना नीट में लाइक लिटरली 3 से 4 बार अभी तक पूछ लिया गया है, दैट मच इंपॉर्टेंट इट इज. पिगमेंट्स लाइक मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. तो याद रखो पिगमेंट्स में कौन आते हैं, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसियानिन्स. अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन एंड कोडीन. टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स. एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल. टॉक्सिन में अब्रीन एंड राइसिन. लेक्टिन्स में कॉनकलावलिन. ठीक है, चलो खत्म. तो इतने सारे चीजें होते हैं, क्योंकि मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, तो ये याद रखो. ठीक है, एंजाइम्स बेटा कल से स्टार्ट करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, और एल्स यू कैन लीव. थैंक यू, थैंक यू, यू कैन लीव. ओके, चलो, बाय बाय.